बीते दिन श्रोमणी अकाली दल बादल ते बसपा पार्टी वालों अपने गठजोड़ का रस्मी ऐलान किया गया सी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों इस गठजोड़ नाल विधानसभा चोणां लई सीटां दा ऐलान भी करते हुए हल्का फलौर की सीट श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार को दी सी। इसे नूं लैके अज बसपा पार्टी के सीनियर आगुआं ते वर्करां वालों फलौर विखे एक हंगामी मीटिंग की गई, जिस विच उन्हां बसपा पार्टी वालों अकाली दल नाल कीते गए इस गठजोड़ का स्वागत किया। नाल ही उन्हां बसपा हाईकमांड पासों मांग की कि विधानसभा हलका फलौर की सीट बसपा नूं दित्ती जावे। बहुजन समाज पार्टी हलका फलौर के वर्करां ने अपना जिहड़ा रिजाइनमेंट देने के लिए अपनी गल रखने के लिए पार्टी हाईकमांड के बेनती करने के लिए ये मीटिंग रखी है, जिसे उन्होंने उन्होंने एक ही सिर मोटिव आ भी जिहड़ा अकाली दल श्रोमणी अकाली दल या बहुजन समाज पार्टी का सुझाता है उसका स्वागत करते हैं, परंतु जे अगर पार्टी जी फलौर की सीट आ अकाली दल छड्डन दी बहुजन समाज पार्टी दे वर्कर डिमांड करते अपने हाईकमांड के को उन्होंने बेनती की है और उन्होंने गलू असी वर्करां नूं कहा कि कोई नहीं साडे जिहड़ी जिले की बॉडी आ वो साडे जाने आगू साहबान है आप जी की गल नूं पार्टी को रखणगे और जिदा ही पार्टी के जिहड़ी गल रखते सानूं शरण रेज देणगे वो तुहानूं दस दिते जाणगे। सिर्फ उन्होंने अपनी गल रखण लई मीटिंग सदी आ और सारे वर्कर समर्थक पहलां तों इतिहासिक गल है कि बहुजन समाज पार्टी के नाल आ, कोई धड़ा नहीं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी पार्टी की चढ़दी कला लई काम करते हैं और हमेशा करते रहना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी फलौर के अंदर मैं समझना कभी भी धड़ेबाजी नहीं हुई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जिहड़े वर्कर समर्थक है यही गल मानते हैं कि साडा नीला झंडा हाथी निशान इको पार्टी इको धड़ा इको नेता भैन कुमारी मायावती जी और उन्होंने विश्वास है और पार्टी हाईकमांड विश्वास है। जय भीम जय।